सौ सी लगने वाली तमाम बातों को भारत आज संभव करके दिखा रहा है। साथियों, अब भारत ने 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए कमर कसी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हम पीपल फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए, करीब करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने वाले हैं। साथियों, बीते 5 वर्षों में दुनिया में तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद भी भारत की ग्रोथ रेट एवरेज 7.5% रही है। और ये भी ध्यान रखिए, पहले की किसी सरकार के पूरे कार्यकाल का एवरेज देखें तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। पहली बार एक साथ लो इन्फ्लेशन, लो फिस्कल डेफिसिट और हाई ग्रोथ का दौर आया है। आज भारत दुनिया के बेहतरीन एफडीआई डेस्टिनेशन में से एक है। साल 2014 से 2019 तक एफडीआई इन्फ्लो में करीब करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है।